कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है मॉर्निंग की इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट की क्या हाल चल रहे हैं क्या लेवल्स आ चुके हैं बिटकॉइन के लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग तो अगर हम जहाँ तक बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की बिटकॉइन की तो बिटकॉइन के लेवल्स फिर से नीचे आए हैं और अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखेंगे बिटकॉइन के जो कल सत्ताईस हजार चार सौ पहुँच गए थे कहाँ से छब्बीस हजार पाँच सौ छः सौ से क्योंकि छब्बीस हजार पाँच सौ का लो लगाया उसके बाद सत्ताईस हजार पाँच सौ का हाई लगा दिया मतलब एक हज़ार डॉलर का पंप दिखाया बिटकॉइन ने और तकरीबन तकरीबन सत्ताईस हजार छः सौ पे आ चुके हैं मीन्स आठ सौ नौ सौ डॉलर का यहाँ पे एक डंप भी बिटकॉइन ने आज हमको फिर दिखा दिया है तो अभी जो लेवल्स चल रहे हैं बिटकॉइन के वो सत्ताईस हज़ार से ले कर छब्बीस हजार छब्बीस हजार सात सौ आठ सौ से लेकर सत्ताईस हजार तीन सौ चार सौ पे ही लेवल्स चल रहे हैं बिटकॉइन के और जल्दी ही यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है एक तो मंथ एंड यहाँ पे आने वाला है जल्दी मे मंथ की क्लोजिंग उसके साथ साथ एक जून जो डेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो जैसे जैसे अब यहाँ पे क्लोजिंग के दिन नज़दीक आ रहे हैं अब ज़्यादा दिन नहीं है ठीक है वैसे वैसे अब यहाँ पे गेम होगा और हो सकता है कि बिटकॉइन जो 25,700 का लो लगाया अब देखो 25,800 का लो लगाया हुआ है तब से हम कहाँ टहल रहे ठहर रहे हैं ऊपर ही टहल रहे हैं है ना नीचे आए ही नहीं है तो अब पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट ऊपर जाए ठीक है एक बार नीचे आए फिर ऊपर गए एक दूसरी बार आए फिर ऊपर गए अब तीसरी बार नीचे आए तो ज़रूरी नहीं है फिर से ऊपर जाएँ इस चीज़ को समझिएगा ऐसे ही हुआ था ट्वेंटी नाइन थाउजेंड डॉलर पर तीन बार गया बिटकॉइन और थर्ड टाइम जो रिजेक्शन मिला वो छब्बीस हजार छः सौ सत्ताईस हजार दो सौ का बैरियर भी तोड़ के छब्बीस हज़ार छः सौ पर ले आया तो जरूरी नहीं है इस बार पच्चीस हजार आठ सौ टूट भी सकता है आज भी टूट सकता है कल भी टूट सकता है क्योंकि ज़रूरी है बिटकॉइन कहीं ना कहीं नया लो लेवल लगा सकता है इस मे मंथ में ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे BNB को लेके, जी हाँ फोर्टी थाउजेंड चालीस हज़ार बी जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं ट्वेल्व मिलियन डॉलर के और फ्रॉम अननोन वॉलेट टू बाइनेंस एक अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे गई है बी की नेक्स्ट यहाँ पे मूवमेंट हुआ है आई एल वी कॉइन को लेके जिसको आप लेवियम भी बोल सकते हो और टू लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तकरीबन तकरीबन तीन लाख के करीब हैं फोर्टीन मिलियन डॉलर के हैं ट्रांसफर फ्रॉम अननोन वॉलेट टू कॉइन बेस तो ये गए हैं कॉइन बेस के ऊपर तो सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन को लेके बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए हैं पहले तो तीन ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन से हैं सेम क्वान्टिटी है ठीक है और वो है सात हज़ार दो सौ छः बिटकॉइन की यानी टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्कीस बाईस हज़ार के करीब ये नंबर हो गया ये इस तरह के तीन ट्रांजेक्शन हैं और वन नाइन्टी सिक्स मिलियन डॉलर हर ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर फ्राम अन नॉन वॉलेट टू तो अन वॉलेट इसके अलावा पाँच हज़ार चार सौ बिटकॉइन वाले पाँच ट्रांजेक्शन्स हैं जी हाँ पाँच तीन वो हो गए ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू थाउजेंड बिटकॉइन और पाँच हज़ार के पाँच हो गए पाँच हज़ार चार सौ के पाँच हो गए तो पांच ट्रांजेक्शन ये हो गए और ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट के अराउंड ये हो गए और ट्वेंटी टू वो हो गए तो टोटल अगर आप देखो पचास हज़ार बिटकॉइन अगर हम इन सारे नंबर्स को जोड़ दें तो पचास हज़ार के करीब जाके नंबर बैठता है और पचास हज़ार बिटकॉइन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं मूवमेंट हुआ है इतना बड़ा जब मूवमेंट होता है तो डेफिनेटली मार्केट में दिखता है और आप देख ही रहे हो बिटकॉइन नीचे आया है और भी नीचे बिटकॉइन के लेवल आ सकते हैं ठीक है काफ़ी बड़ा मूवमेंट है नेक्स्ट अगर हम हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की रात जी हाँ ना ही कोई सी पी आई डेटा आने वाला ना है, FOMC, है ना ही एफ ओ एम सी मीटिंग है लेकिन एफ ओ एम सी मिनट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं ना मीटिंग मिनट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे तो आज रात और आज का दिन काफ़ी वॉलेटाइल वाला रहेगा क्योंकि जब भी एफ़ का नाम आता है एफ़ मिनट्स आने वाले होते हैं तो भैया मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखती है क्या निकल के आता है एफ मिनट्स के अंदर पॉजिटिव आएगा तो पंप भी आ सकता है नेगेटिव आया तो डंप भी आ सकता है तो उसके लिए आप तैयार रहिए आज रात ठीक है जो भी आएगा डिसीजन जो भी एफ ओ मिनट्स होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जोग जोग है, है तो ज्वाइन कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है तो तैयार रहिएगा एफ़ ओ मीटिंग मिनट्स के लिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ए के बारे में फिफ्टी फाइव परसेंट अभी ग्रीन में चल रहा है इसका प्राइस और ए में इतना पम्प क्यों आ अगर आप देखो ए की जहां तक हम बात करते हैं इस क्रिप्टो में पिछले पांच दिन से लगातार गेम हो रहे हैं और पिछले पांच दिन से ये अच्छे खासे लिक्विडेशन कर चुका है और जो लिक्विडेशंस हुए हैं वो शॉर्ट्स वालों के हुए हैं भयंकर वाले लिक्विडेशन जो होते हैं ना वो यहाँ पे ए आर पी ए ने किए हैं क्योंकि फिफ्टी फाइव फाइव परसेंट तक इसका प्राइस ग्रीन में चल रहा है अभी भी ये कुछ देर पहले अगर आप प्राइस देखेंगे तो 27 के अराउंड था 26 27 के अराउंड और ऑलरेडी इसने 0.12 के हाई लगा दिए हैं तो बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज पंप यहाँ पे और ये सिर्फ एक गेम जो अच्छे खासे लिक्विडेशंस हुए हैं बड़े बड़े लिक्विडेशंस जो शॉर्ट की पोजीशन अच्छी खासी लगी हुई थी उन सबको एक ही कैंडल ने यहाँ पे आज गेम फिनिश कर दिया ठीक है तो अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि धीरे धीरे ए में थोड़ा सा करेक्शन तो दिखना ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो ये डे कैंडल्स हैं ये पिछले सात दिनों से ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं ना सात दिन से हम ग्रीनरी देख रहे हैं तो भैया एक अब तो रेड कैंडल दिखना बनती है ठीक है अगर आप ए आर पी ए में ट्रेड कर रहे हैं सबसे पहले तो थोड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े गेम चल रहे हैं स्क्वाइन के अंदर और ज्यादा लेवरेज बिल्कुल भी मत लीजिएगा बहुत ईजिली आप लिक्विडेट हो जाएंगे है ना तो थोड़ा संभल के और अगर करना है तो रिसर्च करके कीजिए और लेवरेज को थोड़ा कम रखिए ठीक है, है तो अगर हम थोड़ा लिक्विडेशन की बात कर लें तो भैया एआरपीए आप सबसे ऊपर देखोगे शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट किया अभी एक ग्रीन कैंडल बड़ी बन गई है ना कितने लिक्विडेशन हुए फाइव लैक सेवेंटी नाइन थाउजेंड डॉलर्स ये शॉर्ट्स की पोजीशन थी इतनी बड़ी भारी भरकम इन सबको लिक्विडेट कर दिया इसके अलावा बिटकॉइन ने भी किया है लॉन्ग्स वालों को नीचे आ चुका है टोमो ने भी शॉर्ट वालों को लिक्विडेट कर दिया है और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज नियो ने भी एक लाख डॉलर यहाँ पर शॉर्ट वालों को बेल ने भी शॉर्ट वालों को वेल्स ने भी वेव्स ने भी कावा ने भी और बहुत सारे लॉन्ग्स वाले भी हैं अगर आप देखो इस लिस्ट के अंदर और अगर हम देखें लिक्विडेशन चार्ट क्या चल रहा है कितना लिक्विडेशन हुआ है तो एक घंटे की अगर मैं बात करता हूं तो बराबर लिक्विडेशन है लॉन्ग और शॉर्ट का 2.2 मिलियन डॉलर है 1 मिलियन डॉलर लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए हैं 1.2 मिलियन डॉलर शॉर्ट वाले पिछले चार घंटे में 38 एट मिलियन डॉलर लिक्विडेशन हो चुके हैं बिटकॉइन का एक नीचे आना ये बहुत बड़ा लिक्विडेशन किया है सबसे बड़ा लॉन्ग वालों का किया है ठीक है और पिछले 24 घंटे में 64 मिलियन डॉलर लिक्विडेशन हुए हैं 51 मिलियन डॉलर लॉन्ग वाले और 12 मिलियन डॉलर हैं शॉर्ट वाले और 29,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे में नेक्स्ट अपडेट है शिवाइनू को लेकर आपको पता है टें की तरफ से शिवाइनू का कोल्ड वॉलेट यहाँ पे आने वाला है और टेन वॉलेट्स गिव अवे ठीक है और दस वॉलेट्स का यहाँ पे गिव अवे भी किया जा रहा है और वी विल अनाउंस द विनर ऑन एम ए सेशन आपको यहाँ पे गिव अवे के लिए करना क्या है ये कुछ कंडीशन uh, है इनको पूरा करना है ठीक है और वी विल अनाउंस द विनर्स ऑन ए एम ए सेशन मंडे ट्वेंटी नाइन्थ मे ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ मे को यहाँ पे विनर भी अनाउंस कर दिए जाएंगे तो शिव शिबा इन्हों के वॉलेट्स का जो गिव अवे है यहाँ पे किया जा रहा है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी डॉज कोइन के बर्निंग को लेके आपको पता है इथीरियम के ऊपर जस्ट जून फर्स्ट मतलब एक जून को यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है हमने रिसेंटली अभी आपके साथ शेयर भी किया था और एक जून को बेबी डॉचकॉइन हंड्रेड क्वाड्रिलियन बर्न करने वाला है ठीक है और ये बी बर्न नहीं है इथीरियम बर्न है ठीक है तो फिर भी इथीरियम बर्न है तो बर्न तो है लेकिन अगर आप देखें बी एस सी बर्न भी बहुत ज़रूरी है लेकिन इथीरियम के ऊपर हंड्रेड क्वाड्रिलियन को बाय बाय करने वाला है बेबी डॉज डॉजकॉइन हमेशा के लिए ठीक है फर्स्ट ऑफ जून को तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पेंट वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें वो बेहद ज़रूरी होती है ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर